हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक अपने नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैं अपना पुराना जितना भी वीडियो बनाता गया हूँ, आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत ही अच्छा कुछ कमेंट्स आए। मैं अपना जो वीडियो बनाता हूँ रिलेटेड टू सेफ्टी, रिलेटेड टू HSC, तो इस बार का मुझे जो फ़ोन आया किसी लड़के के द्वारा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सर मुझे एक ऐसा वीडियो बना के बताइए कि एज ए HSC पर्सनल, एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर, एज ए सेफ्टी ऑफिसर, हमें किस किस तरह का क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए, क्या क्या हमारे अंदर स्किल्स होने चाहिए। तो मुझे लगा कि चलो रियली ये जो पॉइंट्स हैं इस पे बताना जरूरी है, ताकि जिसके अंदर कुछ अगर लैकनेस है तो उस पे वो काम करेगा। ठीक है, तो मैं समय ना गंवाते हुए आपको अपने वीडियो पे लेके चलता हूँ, और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। जैसा कि इसमें बताया हूँ कि स्किल्स ऑफ ए गुड HSC पर्सनल, एक अच्छे HSC पर्सनल होने के लिए क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो एज ए HSC पर्सनल सबसे पहले जो स्किल होता है वो होता है प्रोएक्टिव। अगर एज ए HSC पर्सनल है तो सबसे पहले आपको प्रोएक्टिव सोचना पड़ेगा। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि जो हम काम करने जा रहे हैं या जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं उसमें किस किस तरह के खतरे हो सकते हैं, क्या क्या उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, उसके अनुसार हमें उसका प्रिकॉशनरी जो मेजर लेना है वो हमें रिकमेंड उनको करना है। ठीक है, दूसरा आजकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन जो मैं पहले भी अपने वीडियो में बनाया हूं कि तीन स्टेप में है, रिटेन, वर्बल एंड फिजिकल। रिटेन, वर्बल एंड फिजिकल। अगर आप जिस आदमी, मान लीजिए वर्कर से काम बात कर रहे हैं तो आपको वर्बल आएगा, किसी इंजीनियर, किसी सुपरवाइजर या मेल या जो भी आपको, अगर हम कुछ अपना हमारा कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना है तो उसमें रिटेन आएगा। अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी पता होना चाहिए कि कैसे आप ट्रेनिंग में इंप्रेशन जो आपका आता है वो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा ही आता है। तो ये कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए ताकि आप अपनी बातों को अच्छे इफेक्टिव ढंग से किसी के सामने रख पाए। ओके, उसके बाद एक आता है सबसे ज्यादा आजकल है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि बिना कंप्यूटर के आजकल कोई भी आप कोई भी काम या कोई भी रिपोर्टिंग आप प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर का नॉलेज आज एज ए HSC पर्सनल आपको होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आप उसको नहीं कैप्चर कर पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो या सही से उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास आइडिया तो है लेकिन आप उसको किसी कन्वे नहीं कर पाओगे क्योंकि आप कंप्यूटर यूज नहीं करना जानते हो। तो कंप्यूटर का आपको यूज होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपको आता है ट्रेनिंग स्किल। एज ए HSC पर्सनल आपको ट्रेनिंग स्किल आपको आना जरूरी है क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कोई नया आदमी आता है उस समय आपको इंडक्शन ट्रेनिंग देनी होती है, टूल बॉक्स टॉक ट्रेनिंग देनी होती है, वेरियस टाइप ऑफ ट्रेनिंग है, डिपेंड अपॉन जॉब, डिपेंड अपॉन वर्क एक्टिविटी, लेकिन कुछ सर्टेन एक्टिविटी है जिसमें आपको अच्छा हमेशा कर, जैसे फायर फाइटिंग हो गया, फर्स्ट एडर हो गया, लिफ्टिंग हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स हैं जो आपको ट्रेनिंग देने पड़ते हैं। तो उस केस में आपको ये ट्रेनिंग स्किल अच्छी आनी चाहिए ताकि आप उनको प्रॉपर ट्रेन कर पाओ। ठीक है, उसके बाद एक आपको आता है सॉफ्ट स्पोकन। जो स्पोकन है वो आपको सही होना चाहिए। स्पोकन मतलब बातचीत करने का तरीका सही होना चाहिए। एक इंग्लिश में स्टेंजा बोला जाता है कि अच्छे वक्ता होने के लिए आपको अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए।
आप किसी को कोई बात बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको उसकी बातें भी सुननी होगी। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं ही केवल बोल रहा हूं, अगला केवल मेरा बात सुनता रहे, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से जब तक आप दूसरे का बात सुनोगे नहीं, ठीक है, तब तक आप अपनी बातों को उसको बता नहीं सकते। तो आपको गुड स्पोकन होने से पहले आपको गुड लिसनर होना जरूरी है। तो ये आपको स्पोकन स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये वेरियस टाइप्स जो एक्ट हैं, जो हमारे रूल्स, जो रूल्स बोलता है ना, रूल्स के अनुसार डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स हैं संविधान में, अलग अलग एक्ट्स हैं, वो आपको एक्ट्स पता होना चाहिए कि किस एक्ट में क्या लिखा है। कम फैक्ट्री एक्ट में क्या लिखा है, BOCW एक्ट में क्या लिखा है, वो जो एक्ट्स है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या किस संदर्भ में कौन सा एक्ट लिखा गया है और वो हमें क्या बताता है, ताकि हम चीजों को जब किसी को बताएंगे तो हमें उस संदर्भ में उसका रेफरेंस लेके हमें वो बताना चाहिए। ओके, दूसरा इसमें जो भी एक्टिविटी चल रहा है, जिस एक्टिविटी पे हम काम कर रहे हैं, उस हर एक एक्टिविटी का आइदर इलेक्ट्रिकल हो, आइदर मैकेनिकल हो, आइदर सिविल हो, कोई भी, एटलीस्ट उसका 10% आपका मिनिमम 10% नॉलेज आपको होना चाहिए। जिस जो भी एक्टिविटी चल रहा है उसका आपको एटलीस्ट 10% नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप उस चीज को रिलेट कर पाओ अपने हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से। क्यों? अगर उससे आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उस प्रॉब्लम, आपको वो एक्टिविटी या वो प्रॉब्लम समझने में परेशानियां होंगी। नहीं, और दूसरा क्या है, जो वर्क फोर्स होगा वो आपको कहीं ना कहीं टिल्ट करके घुमा के चला जाएगा। अगर आप उस चीज को जानते नहीं हो, वो कुछ भी बोलेगा आपको मानना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट 10% मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो चीजें आपको जाननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे, हम जो सर्टिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेशन हमारी कंपनी यूज कर रही है, जैसे कि ISO का डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन है, ठीक है, ISO का डिफरेंट डिफरेंट जो सर्टिफिकेट है, वो कौन कौन से सर्टिफिकेशन हमारी कंपनी यूज कर रही है, उस सर्टिफिकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि 9000, अगर 9001 है तो क्या है, 14001 है तो क्या है, ठीक है, 45001 है तो क्या है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें आपको ऑडिट, इंस्पेक्शन या जो कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, हम उन चीजों को कैरी आउट कर पाएंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स से हमारे पास स्किल्स हैं जो हमें से हमें एज HSC पर्सनल जानना जरूरी है। एक चीज इसमें और है कि जिस लोकेशन पे हम लोग, लोकेशन का जो लोकेशन है, उस लोकेशन पे अगर हम काम कर रहे हैं, लोकेशन पे काम कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि वहां के जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें कोई ना कोई ऐसा हमारे पास हो जो उस लोकल लैंग्वेज को, लोकल जो वर्कर्स होंगे उनको वो समझा पाए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में समझाने का जो तरीका होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इसलिए हम लोग जो भी डिस्प्ले यूज करते हैं, जो भी डिस्प्ले यूज करते हैं, ठीक है, वो उसमें हम क्या करते हैं कि जनरली हम लोग इंग्लिश के साथ साथ लोकल लैंग्वेज को भी प्रेफर करते हैं। तो ये उसके बाद और भी बहुत सारे जो हमारे स्किल्स हैं जो डेवलप करते हैं, ठीक है, लेकिन इतना मिनिमम, कम से कम ये सब स्किल्स एज ए गुड HSC पर्सनल के अंतर्गत होनी चाहिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।